हु डिड दिस ये किसने दिया था आपको सरप्राइज हाउ यू फाउंड आउट अबाउट इट ठीक है आपने इसके बारे में कैसे फाइंड आउट किया था वट ड यू डिड क्या किया था आपने द लास्ट वन इज एक्सप्लेन वाइट सरप्राइज यू एंड मेड यू हैप्पी इसी सरप्राइज ने आपको खुश और सरप्राइज कैसे दिया क्यों दिया सो लेट्स बिगिन विद दल आंसर ऑफ दिस क्यू कार्ड वेल बाय रिसीविंग एंड गिविंग सरप्राइजेस पीपल कैन शो देयर लव एंड अफेक्शन टू ईच अदर सरप्राइज़ को दे के और लेकर लोग अपना क्या शो कर सकते हैं लव एंड अफेक्शन एक दूसरे के टुवर्ड्स हेयर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ टाइम वेन आई रिसीव्ड अ सरप्राइज एंड दैट मेड मी रियली हैप्पी सो इस क्यू कार्ड में मैंने किसकी बात करनी है उस टाइम पीरियड की जब मैंने सरप्राइज़ को रिसीव किया था एंड उसने मुझे रियली बहुत ज़्यादा हैप्पी किया एक्चुअली इट हैपेंड अराउंड टू ईयर्स बिफोर ऑन माई बर्थडे ये कब हैपन हुआ था अराउंड टू दो साल पहले की बात है मेरे बर्थडे पे ये चीज़ हैपन हुई थी वैन दी कोविड सिचुएशन वॉज एट दी पीक लेवल जब जो कोविड सिचुएशन थी वो पीक लेवल पे थी मोस्टली आई सेलिब्रेट माई बर्थ डे विद माई फ्रेंड्स एंड फैमिली इन रेस्टोरेंट ज़्यादातर मैं अपना बर्थडे कैसे मनाता हूँ अपने फैमिली और फ्रेंड्स के फैमिली और फ्रेंड्स के साथ रेस्टोरेंट में बट लास्ट ईयर ड्यू टू पेंडेमिक सिचुएशन बट लास्ट ईयर क्या हुआ था पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से ऑल रेस्टोरेंट्स वर क्लोज सारे रेस्टोरेंट्स क्लोज थे इनिशियली आई थाट दैट आई हैड टू सेलब्रेट माई बर्थ डे विदाउट केक पहले मैंने सोचा था कि मुझे अपना बर्थडे विदाउट केक ही सेलिब्रेट करना पड़ेगा कि कोविड है बट वन ऑफ माई फ्रेंड्सो गुड कुक बट मेरे एक फ्रेंड ने मुझे गुड कुक वो गुड कुक भी है इट वॉज लुकिंग सो अमेजिंग एंड डिलीशियस वो केक कैसे लग रहा था बहुत ज्यादा अमेजिंग एंड डिलीशियस लग रहा था शी मेड अ रियली नाइस एंड टेस्टी केक फॉर मी उसने बहुत ज्यादा अच्छा और टेस्टी केक बनाया था मेरे लिए इट वॉज़ होम मेड डार्क चॉकलेट केक ये होम मेड डार्क चॉकलेट केक था आई वॉज ऑन क्लाउड नाइन आफ्टर सींग दैट केक मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ था उसे उस केक को देखने के बाद एंड एवरी वन वॉज बिजी इन टेकिंग पिक्चर्स इंक्लूडिंग मी ठीक है सारे बिजी हो गए थे पिक्चर्स क्लिक करने में मैं भी देन आई कट दी केक वेन आई टेस्टेड दैट केक आई कुडेंट कंट्रोल माई सेल्फ टू हग माई फ्रेंड्स ठीक है जब मैंने वो टेस्ट किया केक को मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया कि मैं उन मतलब मैंने बहुत जल्दी से अपने फ्रेंड को हग कर ली इट वॉज मोर डिलीशियस इवन मोर देन आई एक्सपेक्टेड ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस था इवन जैस मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मोर ओवर शी एडेड फ्रूट्स इन दैट उसने इस केक में फ्रूट्स भी ऐड किए हुए थे माई फ्रेंड यूज इनग्रीडियंट्स दैट डू नॉट हार्म बॉडी मेरे फ्रेंड ने एक ऐसे वे के साथ इन्ग्रीडियंट्स एड किए थे जो बॉडी को हार्म नहीं करेंगे एंड लॉन्ग विद दैट दैट विद आई लाइक डिट बिकॉज आई लव चॉकलेट मुझे इसके साथ ही ये केक अच्छा लगा क्योंकि मुझे चॉकलेट ज्यादा अच्छी लगती है आई लव चॉकलेट एट लास्ट आई थैंक दैम फॉर सच अ ब्यूटिफुल सरप्राइज और मैंने अपने फ्रेंड्स को थैंक यू बोला इसके लिए बिकॉज शी मेड माई डे रियली इंजॉयबल बिकॉज उन उसने मेरा जो दिन था वो बहुत अच्छे से इन्जॉयबल बनाया सो दैट वॉज द टाइम एंड आई रिसिव द ब्यूटिफुल सरप्राइज़ फ्रॉम माई फ्रेंड सो यही टाइम था जब मैंने अपने फ्रेंड से एक ब्यूटीफुल केक रिसीव किया so guys this is all about today's video if you like this video hit the like button and share this video with your friends and if you have any doubt any query in any q card or follow up or journal part you can tell me in the comment section and i will definite my next video on that particular topic so guys thanks for watching this video